हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग करते हैं, और ये जो वीडियो है बेसिकली बिजीविन के ऊपर है, जो एक मस्त और बढ़िया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बेटर देन टैली। इसमें कई बार कैसा होता है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए, या टैली हो गया, या ओरेकल हो गया, या मिरेकल हो गया, या बिजी हो गया, कभी ना कभी किसी में भी करप्टेंसी आ जाती है, कभी ना कभी कोई भी करप्ट हो जाता है। पर बिजी में कैसा है कि आप करप्ट हो जाएगा तो उसके 99% चांसेस है कि आप उसको वापस ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बिजी के अगर डेटा करप्ट हो जाता है तो उसको कितना इजी तरीके से वापस रिकवर करना है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बेसिकली इसमें कैसा है, सब तो अगर आपके मल्टी यूजर्स हैं और आपके जो एवरेज है वो अगर इसको यूज करे डेटा को एक साल से 4-5 जने, और किसी ने कभी अचानक से बिजी बंद कर दिया विदाउट एनी सेविंग डेटा, या कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो गया, अगर पावर सप्लाई कट हो गया, तो इसमें क्या होगा, डेटा करप्टेंसी की चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ज्यादातर जो डेटा करप्ट होता है वो डेटा करप्ट इसी होता है, कभी पावर निकल जाता है, कभी समझो कि बाय डिफॉल्ट डेटा बंद हो गया, कि सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आप बिजी यूजर हो, स्पेशली ये जो वीडियो बिजी यूजर्स के लिए बनी है, अगर आप बिजी यूजर्स हो तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजी जो है ये डेटा को रिकवर करने के 99.9 चार्जेस है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जितने भी यूजर्स है सबको आपको लॉग आउट करवाना पड़ेगा, सबको आपको जो है कंपनी बंद करा के एक सुपर यूजर जो है, वो सुपर यूजर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके हैं कि डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। डेटा रिप्लेस करने के बाद आपको जितना भी डेटा है, जो भी एरर आ रहा है, लगभग 99.9% जो भी एरर आती है वो रिप्लेस में कंप्लीट हो जाती है। क्या करना है, यहाँ पे आपको कंपनी में जाना है, डेटा विजिट करना है, यहाँ पे आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद ये दो ऑप्शन पूछेगा, प्लीज टेक बैकअप। तो अगर आपको बैकअप लेना है तो आप इसको बोल सकते हो कैंसिल दिस ऑपरेशन सो दैट आई कैन टेक द बैकअप। अगर आपने बैकअप ले लिया है तो यू कैन प्रोसीड एज आई हैव टेकन द लेटेस्ट बैकअप, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको क्लिक करना है ओके। तो पूछेगा रीडेक्स डेटाबेस प्रोसीडिंग टू रीडेक्स डेटाबेस फॉर द कंपनी स्क्रैप ट्रेडर्स फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, और उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डेटा बेस इज रीइंडेक्स सक्सेसफुली, डेटा बेस फॉर द कंपनी स्क्रैप ट्रेडर्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रीइंडेक्स सक्सेसफुली। तो इसमें क्या है, आपका जितना भी डेटा है सब कुछ कम्प्लीटली सही हो जाएगा और आप उसके बाद अंदर काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि यहाँ से कंपनी जो है ओपन करनी है, ओपन करने के बाद स्क्रैप ट्रेडर जो लॉग इन करना है, मैंने इसमें यूजर और यूजर आई डी पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ है। क्या करना है आपको, यहाँ से फिर बाद में हाउसकीपिंग में जाना है, हाउसकीपिंग में जाने पर री राइट बुक्स सॉरी री इंडेक्स डेटाबेस यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम ऑप्शन जो है वो यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे आपको ओके कैन प्रोसीड एज आई हैव लेटेस्ट बैकअप ओके करना है, और यहाँ से फिर करना है ओके। तो यहाँ से जो भी आपके एरर्स होंगे वो सब कुछ यहाँ से जो निकल जाएंगे और आप अच्छे से अपना डेटा यूज कर सकते हो। मेरी आपको यही राय देना है कि आप हो सके उतना आप बैकअप लीजिएगा, अपने डेटा को सेफ रखिएगा, और हो सके उतना डेटा को या सॉफ्टवेयर को या कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद मत कीजिएगा, नहीं तो आपका डेटा करप्टेंसी के चार्जेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।